तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ओकिनावा प्रेस प्लस के बारे में। तो गाइस प्रेस प्लस ये एक अपग्रेडेड और एक एडवांस मॉडल है। यहाँ पे क्यों ये गाड़ी में क्या क्या फीचर आ रहे हैं, कैसे फीचर आ रहे हैं, पूरा एक डिटेल में वॉक अराउंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रेस प्रो से ये कैसे एडवांस है, प्रेस प्लस कैसे एडवांस है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा और लास्ट में कोशिश करूंगा इसका एक राइड रिव्यू भी आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार इसकी टायर प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं। तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रैल्को टायर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। 90x90 सेक्शन का यहाँ पे टायर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 90x90 सेक्शन का 12 इंच का यहाँ पे टायर दिया गया है। साथ ही साथ डिस्क ब्रेक का यूज किया हुआ है और डिस्क ब्रेक आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा फ्रंट एंड रियर पे। ओकिनावा के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। साथ ही साथ जो इसके सस्पेंशन है वो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी पहले जैसी ही मजबूत दी हुई है जैसे कि प्रेस प्रो में था, अभी भी वही बिल्ड क्वालिटी का यूज किया गया है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पे फ्रंट लुक जो है गाइज यहाँ पे ड्यूअल कलर टोन में यहाँ पे दे दिया गया है। रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं। साथ ही साथ थोड़ी सी ग्राफिक्स भी इसमें एडिशनली यूज किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रेस प्रो में दिखाया था। तो गाइज प्रेस प्रो में कोई एडिशनल ग्राफिक्स नहीं थे, यहाँ पे थोड़े बहुत आपको यहाँ पे इस तरह के कुछ ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब इसका लाइटिंग सेटअप देख लेते हैं हम। तो लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मैं सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइट्स एज यूजुअल जैसे कि प्रेस प्रो में थी यहाँ पे जल चुकी है, एंड ये बंद करने के भी 15 सेकंड के बाद तक चालू रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मेन हेडलाइट्स के बारे में। तो मेन हेडलाइट जो है मैं इसको ऑन कर देता हूँ एक बार। तो इस तरह से मैं यहाँ पे DRLs ऑन कर दी गई है। DRLs के साथ साथ ये वाली लाइट भी ऑन हो गई है और ये है इसकी मेन लाइट जो कि फोकस लाइट होती है, एंड ये हाई बीम लो बीम। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। टर्न इंडिकेटर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। मतलब बॉडी एंड लुक वाइज थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं प्रेस प्रो से प्रेस प्लस तक आने के लिए। थोड़ा सा ये लुकिंग वाइज थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, बाकी बॉडी शेप वाइज कोई एडिशनल चेंजेस नहीं है। प्लस इस तरह के कोई जो लाइटिंग फीचर्स है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं दिए गए हैं। तो देख लेते हैं गाइज इसके मीटर कंसोल में क्या क्या चीजें अपने को देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का मीटर कंसोल यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा ये पूरा आरपीएम मीटर है जो कि 80 तक जा रहा है, एंड इसके साथ ये टोटल स्पीडोमीटर है कितने स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग और बैटरी का मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रिप मीटर है और यहाँ पे ओडोमीटर दे दिया गया है। अब साथ ही साथ बताना चाहूंगा यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर भी आपको तीन मोड देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट मोड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, सेकंड मोड मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ, ये सेकंड मोड हो गया, और ये टर्बो मोड यानी कि तीसरा मोड हो गया। तीसरा मोड कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको लगाना होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से मोड पे क्या स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट मोड लगा देता हूँ और इसका थ्रॉटल पूरा दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इस 42 की स्पीड आ रही है, 43 की, नो डाउट 44। तो ये 44 तक जा रही है फर्स्ट मोड में। अब मैं इसका सेकंड मोड देख लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने मोड स्विच कर दिया है, एंड सेकंड मोड पे जो है 68, 69 एंड 70। तो ये 70 तक जा रही है। और अब मैं इसका टर्बो मोड यूज़ करने वाला हूँ यानी कि थर्ड मोड। तो ये थर्ड मोड पर आ चुकी है, एंड अब मैंने इसका मोड चेंज करके जो है इसका थ्रॉटल दिया है। तो ये 72 तक जा रही है, 73, कंपनी ने बताया मुझे 75 तक पहुँच जाएगी। तो 74 भी यहाँ पर आ चुका है, तो आई थिंक ये 75 भी आ ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट ये 74 तक ही आया है। कोई बात नहीं, इतना भी इनाफ है वैसे, क्योंकि जो डेली कम्यूट के हिसाब से होता है तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी मैक्सिमम स्पीड को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ इसके साथ साथ और आपको मीटर कंसोल में क्या देखने के लिए मिल रहा है। जो मेन डिस्टेंस मीटर है उसके ऊपर छोटी सी आपको ओकिनावा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही साइड पर आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार, तो इस तरह से आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हाई बीम लो बीम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हेडलाइट्स ऑन की हुई है तो आप हाई बीम लो बीम को इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। प्लस ये वाला जो मीटर है, ये वाला जो इंडिकेशन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जब गाड़ी को चालू करते हैं तब आपको दो DRLs देखने के लिए मिल गई थी, तो वो DRLs जैसे कि मैंने यहाँ पे इग्निशन ऑफ कर दिया है, उसके भी 15 सेकंड तक ये लाइट चालू रहती है, उसका इंडिकेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में। तो राइट साइड पर अपने को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा ये थ्रॉटल बार हो गया, थ्रॉटल हो गया, एडजस्टेबल आपको यहाँ पे लिवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों साइड पे। प्लस यहाँ पे आप लोगों को हेडलाइट एडजस्ट करने का मिल रहा है, यहाँ पे हॉर्न बटन, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मोड्स के लिए, यहाँ पे मोड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को यहाँ पे हाई बीम लो बीम के लिए बटन मिल रहा है, हॉर्न स्विच मिल रहा है और टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे थर्ड मोड भी देख पा रहा हूँ, तो ये टर्बो टर्बो लिखा हुआ है इस पर, तो ये टर्बो मोड हो गया। एंड साथ ही साथ ये जो हैंडल बार थे यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रेक लीवर देखने के लिए मिल रहा है, ये भी दोनों साइड से एडजस्टेबल है, आप उसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गाइस, दो मैनुअल कीज एंड दो रिमोट कीज यहाँ पे देखने के लिए मिल गई है, और दो रिमोट कीज, ये भी एक चेंज है इसके अंदर, एक नया अपग्रेड है। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम ओकिनावा प्रेस प्रो की दिखाई थी, उसके अंदर दो मैनुअल की और एक सिंगल की थी रिमोट की, तो यहाँ पे आप लोगों को दो रिमोट कीज देखने के लिए मिल गई है, तो ये एक एडिशनल हो गया अपने पास। तो प्रेस प्रो और प्रेस प्लस के बीच में ये भी एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये रिमोट कीज भी कैसे काम करती है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉक अनलॉक है, मैं एक बार लॉक करके दिखा देता हूँ आपको, ये लॉक हो गया। अब मैं अगर गाड़ी को छेड़ता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे आवाज़ आने लग जाएगी। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार, तो बंद करते ही ये साउंड बंद हो चुका है। अब मैं किसी भी तरह से चेक कर सकता हूँ, नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को मीटर से यहाँ पे रिमोट से इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मैंने रिमोट हाथ में ले लिया है, चाबी मेरे हाथ में है, तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, मैं इसको डबल प्रेस करूंगा तो इस तरह से ये गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। और अगर इसको मैं वहीं से बैठे बैठे बंद करना चाहूं तो उसके लिए मैं इसको अनलॉक कर दूंगा तो भी ये बंद हो जाएगी। तो ये इस तरह से है गाइस, फुल्ली मतलब आप लोगों को काफ़ी चीज़ों में फीचर वाइज काफ़ी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, तो वो काफ़ी सही लग रहा है। एंड इनफैक्ट इसके बाद मैं यहाँ पे आपको इस साइड पर दिखाना चाहूँगा आपको बूट लाइन में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही अगेन चार्जर पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज पे लगा सकते हैं। चार्ज पे लगाने के बाद रखने के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा स्पेस है, इस जगह पे आप मोबाइल को रख सकते हैं ताकि वो कहीं गिरे नहीं। एंड इसके साथ यहाँ पे इस साइड पे भी आप लोगों को एक अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। एक हैंडल के लिए यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, तो इस तरह से आप कोई भी सामान हो यहाँ पे इजीली हैंडल विद केयर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इस व्हीकल को जो है चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेस है जहाँ पे आप गाड़ी को खड़े खड़े चार्ज कर सकते हैं तो इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। प्लस ये डिटैचेबल बैटरी के साथ आता है, तो आप इसको बैटरी को डिटैच करके भी चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम यहाँ पे रखा गया है 4 to 5 आवर्स, यहाँ पे आप लोगों को कम्प्लीट गाड़ी जो है 4 to 5 आवर्स लेगी और पूरा 100% चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है रेंज ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है अपने को। तो ये स्कूटर जो है आपको 150 to 160 किलोमीटर तक की रेंज दे रहा है, तो इसीलिए उसको चार्ज होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बात कर लेते हैं गाइस इसके पूरे ओवरऑल साइड पोर्शन के बारे में। तो साइड पोर्शन में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोनों ही साइड पर मुझे साइड रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी फीचर के लिए मेरा मानना ये है कि काफ़ी अच्छे हैं। एंड यहाँ पे जो मैं सीट देख पा रहा हूँ, दो लोगों के लिए इनफ है ये सीट। एंड जो सीट की कुशनिंग है वो भी काफ़ी परफेक्ट दी हुई है, काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही है। तो एक बार मैं आप लोगों को इस साइड का पोर्शन दिखाना चाहूँगा, जैसा कि ओकिनावा प्रेस प्रो में अपनी बात हुई थी, कोई एडिशनल ग्राफिक्स नहीं है। तो यहाँ पे गाइस थोड़े बहुत ग्राफिक्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं, साथ ही साथ ये जो प्रेस प्लस लिखा हुआ है ये एक रबड़ बैजिंग के साथ दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक रबड़ बैजिंग है, साथ ही साथ इस जगह पे आप लोगों को कुछ ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस जगह पे आप लोगों को पिलियन के लिए फुटरेस्ट, एज अ फुटरेस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस इसके ऊपर भी अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ करवाना चाहें, लाइक आफ्टर मार्केट अगर आपको कोई एडिशनली यहाँ पे और फुटरेस्ट लगवाना है तो वो भी आप लगवा सकते हैं, बाकी इतना इनफ है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को लेडीज के लिए एक अलग से फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कंपनी से ऑफर्ड है, तो ऐसा नहीं है आप लोगों को अलग से लगवाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा साइड स्टैंड के साथ यहाँ पे सेंसर का भी यूज कर लिया गया है, जैसे कि ओकिनावा प्रेस प्रो में नहीं था, बट यहाँ पे आप लोगों को सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये एक तीसरा चेंज है। एंड इसके साथ साथ मेन स्टैंड भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे की लगी हुई है, आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं पे की लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहीं पे आप लोगों को अगर आप लेफ्ट साइड में इसको ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बूट स्पेस ओपन हो जाएगा, तो ये काफ़ी सफिशियंट है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ इस तरह से कुछ यूज़र मैनुअल्स एंड यहाँ पे जो है इसका टूल किट देखने के लिए मिल जाता है। छोटा सा स्पेस आप यहाँ पे कुछ भी लाइक कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए इस पूरे स्पेस को, ये स्पेस पूरा बैटरी के लिए रख दिया गया है, जैसा कि प्रेस प्रो में इसके लिए कवर रखा गया था, बट इसके अंदर इस तरह का कोई कवर ना देकर एक छोटी सी बेल्ट दे दी गई है जो भी बैटरी को ओनली बस मूव करने से बचाती है कि बैटरी मूव नहीं करे। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा स्पेस दे दिया गया, बट मैं क्लियरली रेकमेंड करूँगा कि बैटरी कंपार्टमेंट के पास में आपको कुछ भी चीज़ें कैरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को MCB स्विच देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी का पावर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 72 वोल्ट 46 AH का यहाँ पे बैटरी दे दिया गया है, जो कि आपको 160 किलोमीटर की रेंज देने के लिए इनफ है।
तो गाइस यहाँ पे मैं आपको रियर लुक एक बार दिखा देता हूँ और किस तरह की यहाँ पे लाइटिंग यूज की गई है, किस तरह का क्या है, तो वो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। तो ये कुछ इस तरह का आपको लाइट का फॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे का जो लुक है वो एक एरोडायनामिक शेप में दिया गया है। जैसे कि मैं इंडिकेटर दिखा देता हूँ, तो इंडिकेटर भी अगेन वही एरोडायनामिक शेप में है, एक एरो टाइप का बन रहा है, तो ये लुकिंग वाइज काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ये कुछ पहले मैं इसका इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है, साथ ही साथ एक नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, और साथ ही साथ इस जगह पे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट फॉक्स लाइट का भी एक काम करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉक्स लाइट दे दी गई है। साथ बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो काफी टफ यहाँ पे दे दिया गया है इसमें पार्ट्स, सारे पार्ट्स जो है बहुत ध्यान से इसमें यूज किए गए हैं। और जिस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस साइड पे, तो यहाँ पे मोटर और मोटर का कॉम्बिनेशन टायर के साथ दे दिया गया है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह का है। तो यहाँ पे मैं आपको मोटर के बारे में बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे इस जगह पे आप लोगों को BLDC हब मोटर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका पावर आपको 1000 वॉट की यहाँ पे BLDC हब मोटर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका जो पीक पावर होता है वो 2500 तक जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे जो इसकी क्लाइंबिंग है, जो ग्रेडिबिलिटी यहाँ पे देखी गई है, तो वो गाइस यहाँ पे आप लोगों को कंपनी क्लेम कर रही है 7 डिग्रीज तक की ग्रेडिबिलिटी इसकी टेस्टेड है। तो उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है वो सबसे ज्यादा मानता हूँ मैं, क्योंकि ओनरशिप का एक एक्सपीरियंस एक अलग होता है और जो कंपनी क्लेम करती है कई बार इन दोनों में फर्क आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कोई भी कस्टमर से इसका रिव्यू ले सकूं एक बार, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ब्रेक कैलिपर जो है वो ओकिनावा के यहाँ पे यूज किए गए हैं, डिस्क ब्रेक दोनों साइड पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि ब्रेकिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाए। और यहाँ पे 90x90 सेक्शन का अगेन वही रॉयल्को टायर्स यूज किए गए हैं, जो कि 12 इंचेस के अलॉय व्हील पर है। एंड जो यहाँ पे सस्पेंशन में देख पा रहा हूँ वो स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक ड्यूअल सस्पेंशन यहाँ पे यूज किए गए हैं, दोनों साइड पे सस्पेंशन है, ऐसा नहीं है सिंगल साइड पे सस्पेंशन हो लाइक अदर स्कूटर्स, जैसे कि मैंने और भी स्कूटर्स यहाँ पे देखे हुए हैं, तो और स्कूटरों की तरह यहाँ पे सिंगल चोकर ना यूज करके डबल चोकर यूज कर लिए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आईप्रेस प्रो से आईप्रेस प्लस कैसे है, एक एडिशनल और एक एडवांस लेवल का फीचर जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। जैसे कि इसके अंदर GPS है, तो GPS से लैस है ये गाड़ी, जो कि वैसे चार्जेबल है, ज्यादा इसका चार्जेस नहीं है, 1000 to 1500 समथिंग अप्रॉक्सीमेट, तो इतना प्राइस यहाँ पे रखा गया है। तो उसकी वो प्राइस अगर आप पे करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए GPS से लैस आप गाड़ी ले सकते हैं, जिसका रेंज यहाँ पे रखा गया है 160 किलोमीटर तक का, तो 150 to 160 यहाँ पे किलोमीटर की रेंज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है GPS से लैस है ये गाड़ी। साथ ही साथ जो फीचर्स है वो सारे ओकिनावा प्रेस प्रो और प्रेस प्लस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको डबल रिमोट सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं, साइड स्टैंड सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, ये सब चीजें आपको उसमें नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सा एडवांस स्कूटर है। तो गाइज उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये स्कूटर आज पसंद आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये स्कूटर पसंद आया हो, ओकिनावा प्रेस प्लस। आप लोग कब खरीदने वाले हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्कूटर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।